नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा आपका स्वागत करता हूं देसी लोग देसी ब्लॉग में। साथियों, आपने आज तक वन्य जीव रक्षा में काफ़ी लोगों की भूमिका सुनी होगी, काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर देखे होंगे, नाम सुने होंगे और काफ़ी संस्थाएं हैं जो वन्य जीवों की रक्षा करती। पर साथियों, आज जिस वाक्य का मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ, यह वाक्य ऐसा है कि किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया, ना ही किसी ने सोचा है, पर कोई ऐसी भी दीवानगी हो सकती है किसी के अंदर वन्य जीव के प्रति, तो ये चीज़ अपने आप में देखने वाली है, आप देखिएगा जरूर। हिरण के अनाथ बच्चे को न माह तक अपने बच्चों की तरह पाला, पोसा और बड़ा किया। बाद में रात्रि सत्संग और सामूहिक भोज का आयोजन कर उसे बेटी की तरह रेस्क्यू सेंटर विदा किया। राजस्थान के पर्वतनुमा ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के बीच एक हिरणी जा रही होती है और उसे आभास होता है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो गर्भवती थी, वो साइड में कहीं जाती है, कोई झाड़ी देखती है और उसमें वो बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देती है, उसके 10 या 15 मिनट बाद अचानक से कुत्तों का झुंड आ जाता है। कुत्तों का झुंड आता है तो हिरणी देख लेती है कि अब तेरा बच्चा नहीं बचेगा, ये खा जाएंगे, ये मार डालेंगे और तुझे भी मार डालेंगे। पर माँ माँ होती है और एक जानवर में भी दिमाग होता है, ये चीज़ देखने को वहाँ पे मिली कि वो हिरणी है, वो वहाँ से चलकर थोड़ी सी दूर भाग जाती है और एक और झाड़ी होती है उसकी तरफ चली जाती है। जब कुत्ते देखते हैं कि वो हिरणी भाग गई वहाँ से, तो वो उसकी तरफ दौड़ते हैं और वो उन कुत्तों के सामने वहाँ पे अपना जितना भी विरोध बनता है वो करती है, पर आखिर में हार जाती है और कुत्ते उसे मार देते हैं और नोच खाते हैं। इसी बीच एक धोलिया गांव है, वहां से शिव नाम के एक भाई साहब जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कुत्तों ने हमला किया है और उसको मार दिया है, पर एक छोटा सा बच्चा है और वो उसमें दूसरी झाड़ी में तड़फ रहा है। वो उसके पास जाते देखते हैं तो वो अभी नवजन्मा था, हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो इधर उधर देखता है, सिचुएशन को समझता है और उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आता है। और शिव भाई है वो बिश्नोई समाज से संबंध रखता है, यानी शिव सुभाग बिश्नोई ऐसा कुछ लिखा गया, हो सकता है उसकी जाति है वो सिहाग हो, अखबार वाले को ना पता हो। जो रिपोर्ट छपी है, न्यूज़ छपी है, उसके अंदर उसका शिव सुभाग लिखा गया है, पर मुझे जहाँ तक मालूम है कि शिव सिहाग हो सकता है। साथियों, वो उसे लेकर घर आता है, घर पे उसकी पत्नी होती है सोनिया, वो देखती है कि ये कपड़े गंदे किए हुए हैं और ये क्या उठा के ले आए। कहने लगे जी ये क्या उठा के ले आए। कहने लगे कि एक बच्चा लेके आया हूँ, अपने भी बच्चे हैं, इनके बीच एक बच्चा रह लेगा, इसकी माँ को अभी अभी मार दिया, उसने सारी कहानी बताई उसको। तो वो उसे नहलाती है और उसे बच्चे की तरह दूध पिलाने की कोशिश करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने सतन से दूध पिलाती है, ऐसे ही वो सोनिया उस हिरण के बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसकी आदत सी बन जाती है इंसानों के बीच रहने की, पर आखिर उसने उसको बच्चे की तरह पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो उसके अंदर भी तो ममता है। तो सोनिया को डर होता है कि कहीं कुत्ते इसे यहीं नोच न खाएं। सोनिया को
उस हिरण के बच्चे से इतना लगाव हो जाता है एक अपने बच्चे की तरह, वो उसके बिना रह नहीं पाती है, वो इधर उधर दौड़ता है जाता है तो वो उसके पीछे भागती है, कुत्तों से गांव के जो कुत्ते हैं उनसे बचाने की कोशिश करती है। और जो घटना थी वो सत्तावड गांव की थी, वहां से वो उसे उठा के लेके आया था, यानी दूसरे गांव से। तो साथियों अब वो हिरण का बच्चा है वो 9 महीने का हो जाता है। अब 9 महीने बाद वो थोड़ी और ज़्यादा उछल कूद करने लगता है, हरकतें जानवर वाली आई जाती है। अब शिव और सोनिया दोनों मिलकर सलाह करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि इसका नुकसान न हो और ये अपने झुंड के अंदर मिल जाए। तो खेतों में छोड़ेंगे तो वो इंसानों के बीच रहा, इंसानों के बीच जाएगा, कोई उसे राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है वो मार खाएगा, नोच खाएगा, ये डर भी मन में था। फिर वो पोखरण जिला के वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करते हैं और उन्हें सौंपने की बात की जाती है और उसके लिए एक दिन मुकरर किया जाता है स्पेशल। और उस दिन जो प्रोग्राम होता है वो अपने आप में बहुत खास होता है। साथियों होता यूं है कि उसके विदाई के उपलक्ष्य में जैसे एक लड़की को विदा किया जाता है, वैसे ही उस हिरणी के बच्चे को यानी मादा हिरणी को विदा करने की तैयारी होती है। उसके लिए स्पेशली हवन कराया जाता है, जागरण करवाया जाता है और गांव के पूरे गांव का भोज कराया जाता है, पूरी व्यवस्था की जाती है, अच्छे से सारा कार्य संपन्न होता है और लोग उनकी धन्य धन्य करते हैं। और पूरे गांव के सामने वन्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें वो बच्चा सुपुर्द कर दिया जाता है और वो लेके जाते हैं बहुत अच्छे ढंग से, अश्रुपूर्ण विदाई उसको देते हैं, वो भावपूर्ण विदाई देते हैं कि वो आगे से खुश रहे। साथियों वैसे तो बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगी, छोटी सी बात है, कोई नॉर्मल बात हो सकती है, पर एक जीव के प्रति इतना प्रेम इतना लगाव शायद ही किसी को देखने को मिले। मैं सैल्यूट करता हूँ शिव और सोनिया को, उन वन्य अधिकारियों को भी सैल्यूट करता हूँ। साथियों आप भी अगर अपने आसपास किसी जीव को देखते हैं तो उसे अपने घर लाइए, उसकी सेवा कीजिए, या फिर आप वन्य अधिकारियों से मिलकर उसके रहने का बंदोबस्त कीजिए, पर उसे अकेला न छोड़ें, वरना समाज के लोग नोच खाएंगे, जानवर नोच खाएंगे, पर आपकी इंसानियत के नाते बहुत बड़ी सेवा बनती है, तो ये सेवा ज़रूर कीजिएगा।